नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विटिलिगो के पेशेंट्स अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। आप सभी लोग ये बात जानते हैं, जब भी किसी भी पेशेंट को किसी भी तरीके की बीमारी होती है, तब उसके मन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उसकी डाइट को लेकर आते हैं कि ऐसा डाइट में हम क्या कंज्यूम करें कि हमारे ट्रीटमेंट में हमें हेल्प मिले और पेशेंट जल्द से जल्द रिकवर करे। तो इन पॉइंट्स को कंसिडर करने के लिए सबसे पहले समझना है कि आपको जो सफ़ेद दाग है वो किस टाइप का केस है। ज़रूरी नहीं है कि हर सफ़ेद दाग की शिकायत विटिलिगो हो। सफ़ेद दाग मल्टीविटामिन डिफिशेंसी की वजह से भी हो सकती है, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, बी कॉम्प्लेक्स है, या फिर कभी कभी एक्जिमा डर्मेटाइटिस के बाद जब वो हील हो जाता है उसके बाद भी सफ़ेद दाग छोड़ देता है। कई बार पेशेंट्स को एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन होता है, पिट्रियासिस एल्बा, उसकी वजह से भी सफ़ेद दाग हो सकते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो विटिलिगो हो सकता है पेशेंट को। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। एक बार हमें ये समझ आ जाए कि पेशेंट को सफ़ेद दाग की शिकायत है, तो डाइट में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों की पूर्ति होनी चाहिए, तभी विटिलिगो के केसेस में रिजल्ट आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कैल्शियम, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आयरन, तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद होते हैं प्रोटीन्स। कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे कॉपर और सेलेनियम। इन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे और डाइट इस तरीके से लेंगे कि इन सारी चीज़ों की पूर्ति हो, तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ स्पेसिफिक डाइट जिनमें आप इन सारी चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाई आयरन डाइट के बारे में। आप खाने में ऐसी क्या चीज़ें ले सकते हैं जिसमें आयरन का कंटेंट अच्छा होता है, जैसे हरे रंग की साग सब्जियां जो होती है, जैसे स्पिनच है, बथुआ है, मेथी है, इन सब चीज़ों में आयरन का कंटेंट अच्छा होता है। कुछ दालें होती हैं जिनमें आयरन बहुत अच्छी अमाउंट में होता है, साथ ही साथ कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे एप्पल है और पोमोग्रेनेट यानी कि अनार है, इन सारी चीज़ों में आयरन का कंटेंट अच्छा होता है। तो मौसम के अकॉर्डिंग आपको वो फल और वो सब्जियां लेनी है जिसमें आयरन का कंटेंट अच्छा हो। अब दूसरी बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। जैसे ही हम कैल्शियम के बारे में बात करते हैं, पेशेंट के मन में डाउट आता है मिल्क का, और सारी जगह स्पेशली आयुर्वेदिक डॉक्टर्स मिल्क या खट्टी चीज़ों के लिए पेशेंट्स को विटिलिगो में मना करते हैं। तो ये इस मिथ को आज हम क्लियर करेंगे। आइडियली मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से कभी कभी शरीर में जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उन वो ट्रिगर करती हैं, तो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप मिल्क ले सकते हैं, 1 कप या फिर 3/4 ग्लास एक दूध का वो ले सकते हैं आप। उसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि छाछ है, लस्सी है या फिर पनीर है, वो आप अवॉइड करिए, क्योंकि आपके शरीर को कुछ कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। एक अडल्ट ह्यूमन को हम माने तो 1000 से 1200 ग्राम कैल्शियम चाहिए होता है प्रतिदिन, जिसमें से 300 ग्राम एक ग्लास दूध से मिल जाता है। तो एटलीस्ट 1/4 हिस्सा जो आपकी कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट है वो एक ग्लास दूध से पूरी हो जाएगी। तो आप मिल्क ले सकते हैं, कोशिश करना है मिल्क को फ्लेवर कर दीजिए। अगर विटिलिगो का केस है तो आप उसको हल्दी में पका सकते हैं, या फिर आप उसको अगर सर्दियों का मौसम है तो सैफ्रन में बॉइल कर सकते हैं मिल्क को, आप इस तरीके से ले सकते हैं। दूध के अलावा मखाने में कैल्शियम का कंटेंट अच्छा होता है, छोले हैं और चना, इन दो चीज़ों में भी कैल्शियम का कंटेंट अच्छा होता है। तो जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है आयरन और कैल्शियम में, उन सारी चीज़ों को आप अच्छे से अच्छे कंज्यूम करने की कोशिश करिए। अब हम बात करते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, और वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सबसे अच्छा पाया जाता है नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में, बट विटिलिगो में हम आपको नॉनवेज मना करते हैं। तो आप दूसरे सोर्सेज क्या ढूंढ सकते हैं, आप एग वाइट्स ले सकते हैं। सारी चीज़ों में हम पेशेंट्स को एग वाइट्स अलाउ करते हैं, तो आप जो अंडे का सफ़ेद पोर्शन होता है वो खा सकते हैं। लगभग जितने तरीके के आप ग्रेन्स लेते हैं जैसे गेहूं है, मिलेट्स है या फिर चावल है, इन सारी ही चीज़ों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में होता है। उसके अलावा सनफ्लावर सीड्स हैं जिनमें बी कॉम्प्लेक्स अच्छे अमाउंट में मिलता है, तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस के बारे में जो मैं अपने विटिलिगो के केसेस में ज़रूर हमेशा बताती हूँ। एक मैं पेशेंट्स को बताती हूँ कुछ सीड्स का मिक्सचर होता है, जैसे सनफ्लावर सीड्स ले लीजिए, अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स ले लीजिए, चिया सीड्स ले लीजिए और सीजमिन सीड्स यानी कि तिल के जो सीड्स होते हैं, इन चारों को मिला के इक्वल क्वान्टिटी में 250-250 ग्राम मिला के आप एक बॉक्स
में रख दीजिए और रोजाना एक चम्मच आपको जरूर लेना है। इससे आपके शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कॉपर और सेलेनियम, इन तीनों चीजों की अच्छे से पूर्ति होगी। इसके अलावा भारत होम्योपैथी में हम पेशेंट्स को बताते हैं कि ड्राई फ्रूट्स आप जरूर लीजिए, स्पेशली वॉलनट्स और फिग्स यानी कि अंजीर आप रात को भिगो के रख सकते हैं और सुबह उनका सेवन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप बादाम और कैश्यू भी ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके शरीर के अंदर चल रही सूजन और इन्फ्लेमेशन को कम करती है, सारी जगह से फ्री रेडिकल्स को पकड़ती है और उसको सेटल डाउन करती है और इस तरीके से आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होता है। ये सारी डाइट फॉलो करने से विटिलिगो के केसेस में बहुत फर्क आता है। डाइट के साथ साथ अच्छी दवाइयाँ भी बहुत अहम रोल प्ले करती हैं और ऐसे केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल होता है। किस तरीके से दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी है और क्या मेडिसिन पेशेंट्स को देना है, ये एंटायरली पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन पे या फिर हम कहें तो उसके केस पे डिपेंड करता है। तो आप अगर विटिलिगो से सफ़र कर रहे हैं तो आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।